बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों मैं शेफ़ अफज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको बनाना सिखाएंगे जेली रोल पतीसा, किस तरीके से ये बनता है और हलवाई किस तरीके से पतीसा बनाते हैं, क्या पतीसे के सीक्रेट हैं और आप जब पतीसा बनाते हैं तो आपसे पतीसा सही क्यों नहीं बनता और आपकी जो पतीसे वाली चीनी है वो क्यों जम जाती है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरी रेसिपी आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पतीसे के सीक्रेट पता चल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख ली है और इसके अंदर 1.25 किलो मैं घी ऐड करूँगा, यानी कि 1 किलो 1 पाव घी, और यह है मैदा, 3 पाव मैदा और 1 पाव कॉर्नफ्लावर पाउडर। ये दोनों चीज़ें मिला के 1 किलो बन गया है और इसके अंदर मैंने जो घी शामिल किया है वो 1 किलो 1 पाव घी शामिल किया है। तो अब इसको हमने करना ये है कि 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भूनना है अच्छे से, जब तक कि इसमें अच्छी सी एक आवाज़ ना आ जाए। आप पानी का इसमें छींटा लगाएंगे तो इसमें से एक आवाज़ आएगी, तो जब तक आपने इसको भूनना है और जब तक ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज ना कर दे, ज़्यादा इसका कलर आपने चेंज नहीं करना तो उससे भी पतीसा अच्छा नहीं बनता है। तो देखिए अभी आधा भून चुका है इस तरीके से, आधा मैंने इसको भून दिया है मगर इसको अभी और हमने भूनना है। और जो आँच है वो मैंने मीडियम टू लो ही रखी हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं भूनना है वरना ये कच्चा रह जाएगा और आपका पतीसा सही नहीं बनेगा। इस तरीके से देखिए आपने पानी का छीटा इसमें लगाना है और अब ये तैयार हो चुका है। तो अब इसको मैं चूल्हे से नीचे उतारने लगा हूँ, 15 से 20 मिनट मुझे हो चुके थे इसको भूनते हुए, अब इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं। थोड़ा सा इसको ठंडा करना है, आपने चूल्हे से नीचे उतार के इसको छोड़ना नहीं है वरना इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है गर्माइश की वजह से। इस तरीके से आप इसको इसमें चम्मच चलाएं कम से कम 5 मिनट तक और फिर इसको आप छोड़ दें। तो अब मैं इसमें ले रहा हूँ 1 किलो 1 पाव हुई चीनी, यानी कि 1.25 किलो चीनी, और जो पानी हमने इसमें शामिल करना है इतना पानी शामिल करना है दोस्तों कि पानी ऊपर तक आ जाए। थोड़ा सा ज़्यादा पानी आप इसमें रखिएगा क्योंकि कम पानी होने की वजह से चीनी जो है वो बाद में जम जाती है जब आप इसको ठंडा करते हैं। और इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो मैंने 1 पाव ग्लूकोज शामिल किया है, 250 ग्राम ग्लूकोज 1 पाव। ग्लूकोज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है मगर पानी का जो इस्तेमाल है वो आपने इसके अंदर पूरा रखना है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा अगर जो आपके साथ ये मसला है कि आपकी चीनी जम जाती है ठंडी होते वक्त, जिस तरीके से कि मेरी चीनी रहेगी ऐसी अगर जो आपकी चीनी नहीं बन पाती तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। और दूसरा ये कि आपने इसके अंदर जब तक चीनी का क्रिस्टल ख़त्म ना हो जाए चम्मच चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो देखें चीनी में उबाल आ चुका है, अब इसको हमने ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, इसको भी दरमियानी आंच पे ही पकाना है। तो जब तक ये चीनी पक रही है, जब तक जो दूसरी इसकी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें ये मैंने बनाई है जेलियाँ, ये मैंने कॉर्नफ्लावर पाउडर की बनाई है, तो इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर जो आप मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहेंगे तो ये कॉर्नफ्लावर पाउडर की बनी हुई है जेलियाँ और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। फ्लेवर्स भी हैं इसके अंदर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, पाइनएप्पल फ्लेवर है और बनाना फ्लेवर है, तो इसकी रेसिपी भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसकी हमने देनी है फीलिंग पतीसे के बीच में। तो अब देखते हैं चीनी हमारी कहाँ तक पक चुकी है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर एसेंस शामिल कर रहा हूँ और ये मैं 100 ग्राम यानी कि आधा कप मिल्क पाउडर शामिल कर रहा हूँ जो मैंने मैदा भून के रखा था इसके अंदर, क्योंकि अभी इस वक्त चीनी जो है वो हमारी पक रही है तो चीनी को पकने देते हैं, बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उसको रेडी करके रख लेंगे। तो इस जो मैंने मैदा भून के रखा था इसमें मिल्क पाउडर और एसेंस मैंने इसमें शामिल किया है, मिल्क की एसेंस, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मिल्क की एसेंस इसके अंदर। तो दोस्तों देखें ये जो स्टेप है चीनी का, अब ये चीनी तैयारी पे है तो आपने इसको मिस नहीं करना है वरना आपका पतीसा कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। आप इस तरीके से चीनी लें और इसको इस तरीके से देखें इसकी तार बन रही है या नहीं बन रही, तार एक तो बननी चाहिए, दूसरा ये कि चीनी को कड़क होना चाहिए, टूटनी चाहिए कड़क होकर इस तरीके से, अगर जो आप इसको चेक करेंगे। मैं अपनी पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूं मगर ये वाला जो स्टेप है ये मैं फ़र्स्ट टाइम आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से आपने चीनी को देखना है, क्योंकि काफ़ी सारी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि उनकी जो चीनी है वो ठंडी होने के बाद जम जाती है, तो अगर जो आप इसको कड़क करके फिर इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो कभी भी आपकी चीनी नहीं जमेगी
और चीनी को जब भी आपने ठंडा करना है तो नॉन स्टिक पैन के अंदर ठंडा करना है या लोहे की कढ़ाई हो और उसके नीचे अच्छे से आपने घी या ऑयल लगा देना है ताकि चीनी चिपके ना। तो ये मैंने नॉन स्टिक पैन के अंदर सारी की सारी चीनी ऐड कर दी है और अब जो मैदा मैंने भून के रखा था ये ठंडा हो गया है, तो अब इसको मैं गर्म करने लगा हूँ। तो दोस्तों इसको गर्म इतना ही करना है कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर सके, ज़्यादा गर्म आपने इसको नहीं करना वरना आपका पतीसा ख़राब हो जाएगा। और इस मौके पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इसके अंदर घी जो है वो कम है, थोड़ा सा जो ये मैदा है मिल्क पाउडर इसमें शामिल करने की वजह से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन एक पाव के करीब घी और ऐड कर दिया है और अब ये घी इसमें हो गया है 1.5 किलो। मगर शुरू में आप इसमें 1 किलो 1 पाव घी का इस्तेमाल करेंगे, बाकी बाद में इसमें घी शामिल करना है देख के। तो देखें इस तरीके से आप इसके अंदर उंगली डाल के देख लें, अगर जो आपकी उंगली बर्दाश्त करता हो फिर आप इसको उतार लें, उंगली जलनी नहीं चाहिए, इतना नॉर्मल टेम्परेचर हो। और चीनी को भी इस तरीके से आप ठंडा कर लें, आप चाहें तो इसको पानी के नीचे रख लें या वैसे ही तो जम जाएगी इस तरीके से। तो दोस्तों ये जो पतीसा बनाने की जो टेक्निक है ये सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर की टेक्निक होती है, अगर जो इसको आपने समझ लिया तो आपका जो पतीसा है कभी भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल हलवाई जैसा पतीसा बनेगा। तो प्लीज़ इसकी जो टेक्निक है उसको थोड़ा सा समझ लिया करें। एक तो आपका जो मैदा है, जब मैदा हो या बेसन हो जिस भी चीज़ का आप पतीसा बनाएंगे तो उसकी जो गर्माइश है उसको थोड़ा सा देखा करें, ना ज़्यादा वो गर्म हो ना ज़्यादा तो वो ठंडा हो। अगर जो ज़्यादा ठंडे के अंदर आप चीनी इसमें शामिल कर देंगे तो अंदर जाके जम जाएगी, ज़्यादा गर्म होगा तो पतीसा ख़राब हो जाएगा। तो चीनी जो है वो हमारी ठंडी हो चुकी है, अब मैंने इसको बेसन में शामिल कर दिया है मैदे में। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं ये जो मैदा है वो हमारा इतना गर्म है कि हल्की हल्की मेरी उंगली जल रही थी इसके अंदर, तो इसको मैंने गर्म दोबारा इसलिए किया था ताकि ये जो हमारी चीनी है इसमें अच्छे से इसको चूस ले, पी जाए इसको और अच्छे से हमारे लच्छे बने। और अभी भी अगर जो मुझे लगेगा कि ये जो चीनी है ये सारा का सारा जो मैदा है उसको नहीं चूस रही तो मैं इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे चूल्हे पे दोबारा उठा के रख दूंगा और थोड़ा सा इसको और इसी तरीके से पकाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि ये मुझे चूल्हे पे रखना पड़ेगा क्योंकि चीनी जम रही है इसके अंदर। तो थोड़ी सी मुझसे चीनी थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी हो गई थी तो मुझे लग रहा है कि अब इसको मैं चूल्हे पे रख लूँ। तो ये मैं सिर्फ आपको करके दिखाने का मकसद ये है कि अगर जो आपकी भी चीनी जमने लग जाए तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आपने इसको उठा के चूल्हे पे रख देना है। जैसे कि मैंने अब इसको चूल्हे पे रख दिया है, मैं थोड़ी सी देर इसको चूल्हे पे रख के थोड़ा सा इतना मैंने इसको चूल्हे पे रखना है कि ये जो चीनी है थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो जाए। और जो चूल्हा है उसकी आँच का आपने ध्यान रखना है, तेज़ आँच बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल ज़ीरो वाली आँच होगी, दम वाली आँच होगी, इससे ज़्यादा तेज़ आँच ना रखिएगा वरना ये पतीसा जो है ये ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इसका एक एक स्टेप रेसिपी बनाने से पहले आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो अब इसको मैंने चूल्हे से नीचे उतार दिया है क्योंकि जो चीनी थी वो अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो चुकी थी, गर्म हो चुकी थी। तो देखें इसने सारा का सारा जो मैदा है उसको चूस लिया है, मगर थोड़ा सा रह गया है वो भी इंशाल्लाह ये सारा का सारा चूस लेगी। और हमने इसी तरीके से स्टिक की मदद से इसको चलाना है जब तक कि सारी चीनी सारा जो मैदा है उसको अच्छे से चूस ना ले। तो दोस्तों जब ये सारा जो मैदा है चीनी पी जाएगी तो फिर इस तरीके से आपने इसको इकट्ठा करना है ताकि जो चीनी के जो दाने हों लम्स हों वो अच्छे से इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाएं, घुल जाएं इसके अंदर। अगर जो चीनी इसके अंदर रह जाती है फिर भी मज़ा नहीं करता। और इस एक बर्तन की मदद से इसको दबाएँ ताकि इसके अंदर जो चीनी के जो लम्स हैं दाने हैं वो ख़त्म हो जाए और पतीसे के अंदर अच्छे से लच्छे बने इस तरीके से, क्योंकि ये इस स्टेज पर थोड़ा सा गर्म होता है तो आपके हाथ जलेंगे। तो आपने इसको किसी बर्तन से या किसी चीज़ की मदद से इसको इस तरीके से दबा लें और इस तरीके से फिर इसको इकट्ठा करें। ये थोड़ा सा मैं आपको फिर बता रहा हूँ टेक्निकल काम होता है, तो इसका आपने एक एक स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अब इसको मैं निकाल देता हूँ टेबल पे, तो थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे हाथ की मदद से इस तरीके से। अब इसको बेल लेते हैं एक बेलन की मदद से। तो दोस्तों मैं जो ये रेसिपी बना रहा हूँ ये कमर्शियल रेसिपी है, मगर आप इसको इसकी जो क्वांटिटी है वो कम करके आप घर में बना सकते हैं, आप एक पाव चीनी का पतीसा भी बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ एक पाव चीनी के पतीसे की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आप देख लें कि वो भी पतीसा तरीका बिल्कुल सेम यही होगा, सिर्फ जो बनाने की रेसिपी की जो क्वांटिटी है वो हमने कम करनी है, बाकी जो तरीका जितना भी है यही होगा पतीसा बनाने का, यही असल तरीका है पतीसा बनाने का।
तो अब इसके अंदर मैं कर देता हूँ फिलिंग जेली की इस तरीके से। तो देखें जेली, एक तो ये लगता बहुत ही अच्छा है दिखने में, और ये जो जेली का जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का होता है। अगर जो आपके पास ये जेलियाँ ना हो तो आप बाज़ार से पेठे की जो मिठाई मिलती है टूटी फ्रूटी, आप उसकी भी इसके अंदर फिलिंग दे सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। और इस तरीके से इसके रोल बना के इसको पेपर में लपेट के रख देंगे। तो दोस्तों पेपर में लपेटने का मकसद ये होता है कि ये अच्छे से इसकी जो शेप है वो गोल रहे, टेढ़ा मेढ़ा ना हो और ये अच्छे से जम जाए। इसी वजह से इसको पेपर में लपेट के रखते हैं, और इसको पेपर में लपेट के हमने रखना है कम से कम आधे से एक घंटे के लिए। इस तरीके से इसके रोल बना लें बिल्कुल आसानी से। इस वक्त ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो रोल आप आसानी से बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने तमाम पतीसे के रोल बना दिए हैं, अब इसको पेपर में लपेट के मैं रख देता हूँ तकरीबन एक घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, जम जाए। फिर इसकी मैं कटिंग आपके सामने करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरीके का हमारा पतीसा बना है। तो दोस्तों अगर जो ये मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और रेसिपी के बारे में कोई भी मालूमात चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वॉइस मैसेज के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब इसको रख देते हैं एक घंटे के लिए, और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊँगा कि किस तरीके का हमारा पतीसा बना है। तो माशाल्लाह दोस्तों एक घंटा कंप्लीट इसको हो चुका है और पतीसा जो है वो ठंडा हो चुका है। तो दो रोल को मैं साइड पे कर देता हूँ और सिर्फ एक रोल की कटिंग करता हूँ। इस तरीके से देखें कितने आराम से ये माशाल्लाह से कटिंग हो रहा है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे इसके अंदर लच्छे बने हैं। तो इसके बीच में से भी आपको शक्ल दिखाऊँगा किस तरीके का हमारा पतीसा बना है, और आपने दोस्तों ज़रूर अपनी राय देनी है कि किस तरीके का पतीसा मैंने बनाया है। देखिए माशाल्लाह आप इसका लुक देख लें, कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। तो दोस्तों ये जो पतीसा है बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसकी लाइफ भी मैं आपको बता दूं काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको आप रूम टेम्परेचर में ही रखेंगे, फ्रिज में या फ्रीज़र में हरगिज़ नहीं रखेंगे, और ये कम से कम 15 से 20 दिन तक आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर में रख के, एयर टाइट बॉक्स में रख के ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो पतीसा हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालदेन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।